मेरे प्यारे बहनों भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं NSOL टैबलेट के बारे में, जिसमें IP Parasalt है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे इसे कब कैसे यूज नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मांसपेशियों में दर्द है तो आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके सिर दर्द हो, दांत में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, बदन दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, बुखार हो, अर्थराइटिस हो, साइटिका हो, रूमेटाइड हो, अर्थराइटिस हो, कंधे में दर्द हो, या फिर आपके मोच आ गई हो, तो आप इस टैबलेट को इन प्रॉब्लमों में यूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपके आँखों में दर्द हो या आँखों की सूजन हो, वृक्षण में दर्द हो, पैर में फ्रैक्चर हो, दाढ़ में दर्द हो, जबड़े में दर्द हो, जांग में दर्द हो, या फिर आपके मधुमक्खी ने काट लिया है, तो आप इस टैबलेट को इन दिक्कतों में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हमें कैसे लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस टैबलेट को आप दिन में एक बार लेनी चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको दिन में दो बार या तीन बार भी ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, कृपया एक बात ध्यान रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग अलग हो सकता है, इसलिए रोग क्या है, मरीज की आयु क्या है, दवाई लेने का तरीका मरीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट को लंबे समय तक यूज़ करोगे तो आपके गुर्दे डैमेज यानी कि ख़राब हो जाएंगे। अन्य और दोस्तों, आपने इसको यूज़ कर लिया है और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट हो गया है, तो दोस्तों घबराइए नहीं, इस टैबलेट को यूज़ करना बंद कर दीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी NSOL IP Para टैबलेट की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।